भारत के प्रसिद्ध संत नामदेव। नामदेव इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नामदेव का जन्म 1192 में प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राम में दमासेठ सिंपी के यहाँ हुआ था। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी ने विशोभा खेचर से दीक्षा ली, जो नामदेव पढ़रपुर के विट्ठल की प्रतिमा में ही भगवान को देखते थे। वे खेचर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव करने लगे। उसकी प्रेम भक्ति में ज्ञान का समावेश हो गया। ज्ञानेश्वर और नामदेव उत्तर भारत के साथ साथ यात्रा की थी। ज्ञानेश्वर मारावाड़ को में कोल दर्जी नामक स्थान तक ही नामदेव का साथ गए। वहां से लौटकर उन्होंने आलंदी में 1218 में समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर के वियोग से नामदेव का मन महाराष्ट्र से उचट गया और ये पंजाब की ओर चल गए। गुरदासपुर जिले के खोभान नामक स्थान पर आज भी नामदेव जी का मंदिर विद्यमान है। वहाँ सीमित क्षेत्र में इनका पंथ भी चल रहा है। संतों के जीवन के साथ कतिपय चमत्कारी घटनाएं जुड़ी रहती हैं। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनका मृत गाय को जिलाना, पूर्वाभिमुख अढ़वाना नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी की आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसके द्वार का पश्चिमाभिमुख हो जाना, विठुर की मूर्ति का इनके हाथ दुग्ध पान करना आदि घटनाएं समाविष्ट है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक विठ्ठल मंदिर के महाद्वार पर 1272 ईस्वी में समाधि ले ली। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थान घुमान मानते हैं, परंतु बहुमत पढ़रपुर के पक्ष में है। एक दिन नामदेव जी के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि अब उनके स्थान पर वह ठाकुर की सेवा करेंगे। जैसे ठाकुर को स्नान कराना, मंदिर को स्वच्छ रखना व ठाकुर को दूध चढ़ाना जैसे सारी मर्यादा मैं पूर्ण करता हूँ, वैसे तुम भी करना। देखना लापरवाही या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया जैसे पिताजी समझा कर गए थे। जब उसने दूध का कटोरा भर कर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बैठा हुआ देखता ही रहा कि ठाकुर जी किस तरह दूध पीते हैं। ठाकुर ने दूध कहाँ पीना था, वह तो पत्थर की मूर्ति थे। नामदेव को इस बात का पता नहीं था कि ठाकुर को चम्मच भरकर दूध लगाया जाता, वह शेष दूध पंडित पी जाते थे। उन्होंने एक विनती शुरू की, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, दूध लेकर आया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भक्त ने अपनी बेचैनी इस प्रकार प्रकट की, हे प्रभु, यह दूध मैं कपला गाय से दोह कर लाया हूँ। हे मेरे गोविंद, यदि आप दूध पी लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे। सोने की कटोरी मैंने आपके आगे रखी है, पिए अवश्य पिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे पिताजी से प्रतिदिन दूध पीते हो तो मुझसे आप क्यों नहीं पी रहे हैं। हे प्रभु, दया करें, पिताजी मुझे पहले ही बुरा व निकम्मा समझते हैं। यदि आज आपने दूध न पिया तो मेरी खैर नहीं, पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। जो कार्य नामदेव के पिता सारी उम्र न कर सके, वह कार्य नामदेव ने कर दिया। उस मासूम बच्चे को पंडित की बेईमानी का पता नहीं था, वह ठाकुर जी के आगे मिन्नतें कर रहा था। अंत में प्रभु भक्ति की भक्ति पर खींचे हुए आ गए।
पत्थर की मूर्ति द्वारा हंसे। नामदेव ने इसका जिक्र इस प्रकार किया, ये कु भक्तु मेरे हृदय बसे। नामे देखी नारायण हंसे, एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गया। नामदेव को देखकर प्रभु हंस पड़े। हंस कर उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीकर मूर्ति फिर वैसी ही वैसी हो गई। दूधु पी आई भक्ति घिर आई, गैया नामे हरि का दर्शन भैया। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। यह नामदेव की भक्ति मार्ग का प्रथम जीत थी। शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियाँ आ गई। वह भक्ति भाव वाले हो गए और जो वचन मुँह निकलते वहीं सत्य होते। जब आपके पिताजी को यह ज्ञान हुआ कि आपने ठाकुर में जान डाल दी, वह दूध पिलाया, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि उनकी सफल हो गई। हरि नाव हीरा हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। हरि नाव जाती हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीव में क्रांति। हरि नाव सकल सुसन की राशि, हरि नाव काटे चमकी पासी। हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नाम दे उतरे पारा। राम नाम सेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देश देहसहूँ अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई। दह दीसी राम रहाया भरपूरी, संतनी नियते साकत दूरी। नामदेव कहे मेरी कृष्ण सोई, कुंत महासती करे कौन कोई। रामंसु धन ताको कहाँ अब थोरे, अट सिधि नव निधि करत निहोरे। हरीन कसीब बध करी अधपति देई, इंद्र को विभु प्रहलाद न लेई। दीव दानव जहाँ संपदा करी माने, गोविंद सेवक तहि आपदा करी जाने। अर्थ धर्म काम की कहाँ मौंसी मांगे, दास नाम देव प्रेम भक्ति अंतरी जो जागे। ओम।